मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। पढ़ेगा मेवात तभी तो बढ़ेगा मेवात, और इसी कारवां को लगातार मेवात के प्रतिभाएं बढ़ाती जा रही हैं। मेवात के नूब खंड के गांव बीवीपुर के रहने वाली एक होनहार बेटी रिजवाना, जिसका अभी अभी हरियाणा के पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजवाना की प्राथमिक की पढ़ाई नूब खंड के गांव जीना से हुई थी। उसके बाद दसवीं से बारहवीं तक उन्होंने फिरोजपुर झिरका के हिंदू हाई स्कूल से तालीम हासिल की थी। उसके बाद बीएससी उन्होंने गुड़गांव के 14 सेक्टर से हासिल की थी। उसके बाद में एमएससी की पढ़ाई जो कि मैथमेटिक्स से उन्होंने जयपुर के ज्योति विद्यापीठ से हासिल की थी। सन 2017 में उन्होंने एसएससी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद का टेस्ट भी पास किया था और सन 2017 में एसएससी यानी सीजीएल को भी पार किया था। सन 2019 में रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद भी क्वालिफाई किया था। उसके बाद वो देश और प्रदेश में अपनी सेवाएं देना चाहती है। मूल रूप से बीबीपुर गांव की रहने वाली रिजवाना की इस कामयाबी पर लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको सराह रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजवाना एक ऐसी पहली महिला है जिनका डायरेक्ट एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। उसके बाद लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। रिजवाना का जो बीसीबी की कैटेगरी है उसमें 5 सीटें थी, उनमें उन्होंने अपना नंबर हासिल किया है। बीसीबी की 5 सीटों में जगह बनाई है। रिजवाना एक ऐसी पहली महिला है जो मेवात की जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के पद पर जिसका चयन हुआ है। उसके बाद मेवात के जो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जितने भी सामाजिक सरोकार के लिए काम करने वाले जिम्मेदारान लोग हैं वो रिजवाना के घर पर जाकर उनको बधाई दे रहे हैं, उनके परिवार वालों का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। खलील अहमद उनके पिता हैं जो कि पेशे से एक ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कड़ी मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया है और इस सब के पीछे रिजवाना खान अपनी कामयाबी अपने परिवार वालों को इसका श्रेय देती हैं और कहती हैं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ देश और प्रदेश की बेटियों को आगे बढ़ाना है और उनकी सेवा करना है। क्योंकि प्रशासन के इकबाल पर लगातार सवाल खड़े होते रहे, रिजवाना का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इस मुहिम को वो आगे ले जाना चाहती है और बेटियों को न्याय दिलाना चाहती हैं। इसी को उन्होंने मूल आधार बनाया है। रिजवाना मेवात की एसआई के पद पर चयनित होने वाली पहली महिला है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। आपकी क्या राय है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग लगातार इसको प्यार और मोहब्बत से नवाज रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय और आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव आप दे सकते हैं। इस बेटी के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपने डीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि इस तरीके के टैलेंट को हम भी सराहें, इस तरीके के टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करें, देश प्रदेश में लोगों को दिखाएं, तो आप उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।